हेलो एवरीवन, आज मैं आपको भिंडिया बनाने का तरीका बताऊंगी। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल में इसमें आप प्याज डाल रही हूँ, और साथ साथ मैं आपको जो नए यूट्यूबर हैं बेचारे नाकाम, उनको बताऊंगी वीडियो कैसे आपने किस एंगल पे सेट करने हैं। अगर आपका कुकिंग चैनल है, दूर जाके कैमरे को सेट करें। अच्छा, ये थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, इसमें पहले मैंने प्याज नहीं डालना था। आई एम सॉरी, मैंने पहले भिंडियाँ डालनी थी। सर, मैं ये निकाल लूँ? कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला ही, गलती तो हो जाती है। अच्छा, बात हो रही थी कैमरे के एंगल की, इतनी देर में मैं इस प्याज को निकालती हूँ कि ऊपर चढ़ जाते हैं, भिंडी के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, कि भिंडी भी कंफ्यूज हो जाती है कि भाई मैं क्या करूँ, क्या हो गया भाई। तो इसलिए थोड़ा सा दूर से आप इसको रखें कैमरे को। अच्छा, ये आराम आराम से प्याज निकालें। अब ये भिंडी इसमें मैंने डाली और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, फ्लेम भी आपको नज़र आ रही है, और मैं इसको बड़ी खूबसूरती के साथ चमचे पतल पतल के मिक्स कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले मेरे पास कितने ज़्यादा सेट अच्छे हैं। स्पैचुला भी है और वुड का चमचा भी है। अच्छा, ये अब मैं इसको इग्नोर करूँगा, इन्हें काम वाली आई नहीं थी। अच्छा, ये देखिए, मैं भिंडियाँ अब बाहर निकाल रही हूँ, फ्राई हो चुकी हैं। कितने मिनट करनी है, जाएं यूट्यूब पे, भरमा रहे हैं भिंडी की रेसिपी की, वहाँ से देख लें। अब ये देखिए, मैं यहाँ पे रख रही हूँ, आराम आराम सुकून से। कोई भी आपको जब कोई काम कहे, भिंडी बना दो, करेले बना दो, रायता बना दो, आराम से करें। इतने आराम से काम करें कि आइंदा अगला बंदा तोबा कर ले कि भाई भिंडियाँ दोपहर को खाई थी, शाम हो गई। इससे ये होगा, आइंदा आपको कोई भी काम नहीं करेगा। आपने सिलो सिलो, ये असल तरीका है भिंडियाँ बनाने का। ये देखिए, जल गई हैं, कोई बात नहीं, कौन सी लेडी गागा ने और बिल क्लिंटन ने खानी है। अच्छा, अभी मैं माचिस जला रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे डर लगती है आग से, चिमटे से पकड़ के दूर से करना है। आपको पता, आग और पानी से बचना चाहिए, बड़ी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। कोई बहादुरी नहीं है कि आप फटाफट से लगा लें, आराम से लगाएं चूल्हा। अच्छा, मैं पता नहीं सोच रही हूँ क्या करूँ, इसमें मैंने पता नहीं क्या डाला, मेरे ख्याल से प्याज डाला ही। आप देखिए, मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, ये प्याज की इतना खूबसूरत है। मुझे पिंक कलर वैसे भी बड़ा पसंद है, पर्पल कलर, ये बिल्कुल मेरे पसंदीदा कलर के अकॉर्डिंग आ चुकी है। आप देखिए, इसी तरह से वीडियो बनाया करें, इसी एंगल से देखिए कितनी वायरल हो जाएगी, जैसे मेरा चैनल है। अच्छा, मैंने इसमें भिंडियाँ डाल रही हूँ 200 गज दूर, ताकि मेरे पर छींट ना कोई पड़ जाए। डिटेल से आपको वीडियो बता रही हूँ, भिंडी कैसे पकानी है। इसमें नमक डाल रही हूँ मैं, आराम से डाला, फिर दोबारा डाला, मेरे ख्याल से पता नहीं डालूंगा कि नहीं डालूंगा, ठीक है बस। अब इसमें हल्दी पाउडर डाला मैंने, अच्छा आराम से डाला, फ्लेम को मैंने सीलो कर दिए ही। आप देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से बन रही हैं। मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ, आराम से डाला। हमारे पीछे कौन सा बब्बर शेर लगा हुआ है, जो हमने जल्दी जल्दी भागना है। आराम से कर रही हैं, अपना ही किचन है। अब ये मैंने इसमें ना सब्ज मिर्ची डाली थी, और अब मैं इसको आराम सुकून तहमुल पेशेंस के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। चाहे तो साथ साथ कुछ गुनगुना भी लें अगर आपको दिल कर रही है, वैसे मेरा नहीं कर रहा इसलिए मैं नहीं गुनगुनाऊँगी। ऊँची, आप देख सकते हैं कि इतनी प्यारी आग का कलर है ना, नीला कलर मुझे बहुत पसंद है। वैसे ये पिंक, पर्पल, नीला मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए मुझे हज़ार का नोटबुक पसंद है, क्योंकि वो नीले रंग का होते हैं। अब मैं इसमें काली मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी, वैसे मैं डाल रही हूँ, मैंने कहा था कूल लगूँगी। ये देखिए, भिंडी बन चुकी है, ये देखिए थोड़ी सी हंडिया जल गई है। कोई बात नहीं, हमारी नानियों दादियों से भी हंडिया जल जाती थी, ऐसी कौन सी अनहोनी हो गई, हो जाता है कभी कभी। चलिए, आपने सीख ली होगी भिंडी बनाना, चलिए आप जाइए यहाँ से। ओके, बाय।